हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंटरेस्ट यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कमेंट से। नाम यहाँ पे हाइड किया गया है क्योंकि किसी की पर्सनल डिटेल ऐसे पब्लिक नहीं की जा सकती है। तो ये कमेंट है, भाई पार्टनर जब विश्वास ही ना करे तब हमें क्या करना चाहिए, क्या उसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये देखिए, सवाल ये है कि क्या छोड़ देना चाहिए ऐसे इंसान को। मैं अक्सर आपको कहता हूँ, आप लोगों से कहता हूँ कि आपको नफरत करना है तो पाप से करो, ठीक है। आपको नफरत करना है तो पाप से करो, ना कि पापी से। यानी कि इसका मतलब ये है कि इंसान बुरे नहीं होते, बुरे उनकी आदतें होती हैं। तुमको अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाना है ना, ताकि आगे चल के कभी भी इस बात की गलानी ना रहे कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश ना करी। उसके बाद चाहे जिसको जाना होगा वो जाए। तो यहाँ पे आज हम ऐसे ही दो टिप्स आपको बताएंगे, दो ऐसे काम बताएंगे जो आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा। आपका पार्टनर आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या है इसका इंटेंशन इस वीडियो में, ये है कि यहाँ पे हम आपको बताएंगे ट्रस्टशिप की जो साइकोलॉजी है वो आपको बताएंगे। यहाँ पे ट्रस्टशिप का जो सिद्धांत है वो आपको डिस्कस करके बताया जाएगा। अब यहाँ पे गांधी जी वाला ट्रस्टशिप का सिद्धांत यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा, वो फिलोसफी है। यहाँ पे हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली बात देखिए, जब साइकोलॉजी यहाँ पे काम करती है तो साइकोलॉजी कहती है कि ट्रस्टशिप का सिद्धांत ब्रेक डाउन कब होता है। दो केस में होता है, ठीक है। सिर्फ दो ही वजह से किसी का ट्रस्ट जो है, भरोसा जो है, वो टूटता है। पहला है झूठ बोलना। अगर आपकी ये आदत है कि आप अपने पार्टनर से झूठ बोलते हो तो आपका भरोसा कम होता जाएगा, आपका पार्टनर आप पे ज़्यादा भरोसा नहीं करने वाला है। तो पहला काम तो यही आपको टिप ये है कि आपको ये बंद करना होगा, ठीक है। टिप्स के बारे में अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, कौन से काम है उनको अभी बताएंगे। सबसे पहला काम है झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो फिनिश हो जाता है ट्रस्टशिप, ठीक है, ब्रेक डाउन होने लगता है। दूसरा जो हम गलती करते हैं वो है चीटिंग करना। ये आप सभी को पता है कि हम जब हम हो या कोई और हो, ठीक है, या हमारा पार्टनर ही क्यों ना हो हमारे साथ, ठीक है, लेकिन अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट रखता है, हमारे साथ चीटिंग करता है, चीटिंग केवल किसी थर्ड पर्सन से इन्वॉल्वमेंट में ही नहीं और भी चीज़ों में चीटिंग करता है, तो वो सब जो है ट्रस्टशिप के सिद्धांत को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये दो मेजर ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आपको बचना है। अब बात करते हैं कौन से वो दो काम है जो आपको करना है। फर्स्ट जो काम है जो साइकोलॉजी हमें देती है वो है सो योर लव। आपके पास आपके दिल में कितना प्रेम है, कितना प्यार है, इसको दिखाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करने में कामयाब रहते हो तो आपका पार्टनर आप पे इतना भरोसा करेगा ना कि आपको खुली छूट होगी, आप चाहे कहीं भी जाओ, ठीक है। अगर आप लड़के हो तो आपका पार्टनर आपको इतना छूट देगा ना कि चाहे आप लड़कियों के बीच में भी रहोगे ना तो भी उसको इतना भरोसा होगा आप पे कि आप उनके साथ चीट नहीं करने वाले हो, आप उन्हें धोखा नहीं दोगे, वो इतना आप पे भरोसा करेंगे। तो आपको अपना प्रेम दिखाना पड़ेगा। प्रेम कैसे दिखाना पड़ेगा? आपको अक्सर अपनी बातों से भी जाहिर करना पड़ेगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आप ही दुनिया में ऐसे स्पेशल इंसान हो जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यानी उन्हें ये रियलाइज कराना पड़ेगा आपको कि उन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आप प्यार करने वाले हो, आपसे ज़्यादा उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, यहाँ तक कि इवन फैमिली मेम्बर भी उन्हें उतना प्यार नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको रियलाइज कराना पड़ेगा। ये बातों से हो सकता है, हरकतों से भी हो सकता है। यानी कि आप कुछ ऐसे काम करो, ऐसी एक्टिविटीज करो, उनकी केयर करो, उन्हें एक तरीके से उनका हाल चाल पूछ सकते हो और कुछ चीज़ें ला के दे सकते हो, मतलब जो भी आप समझ रहे हो, वगैरह वगैरह, मैं जो भी कहना चाह रहा हूँ। तो बातों से और हरकतों से दोनों तरीके से आप अपने प्यार को जग जाहिर करिए अपने पार्टनर के सामने। आपका ट्रस्ट सिर्फ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, 100 गुना क्या, 1000 गुना तक बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा जो काम है साइकोलॉजी हमें दूसरा जो काम देती है वो है बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, जब तक आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं ला पाओगे तब तक आप पे कोई भरोसा नहीं करने वाला है। आप एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है, जीरो है आपका कॉन्फिडेंस, आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है कि आप कुछ कर पाओगे। आपका पार्टनर आपसे कहता है कि हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, तो आप कहते हो कि यार कैसे हो पाएगी, फैमिली प्रॉब्लम ये है वो है, यानी कि आप पहले से ही हथियार डाल देने वाले हो, यानी कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपका पार्टनर आप पे क्या खाक भरोसा करेगा, ठीक है। जब हम खुद पे भरोसा करते हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस करते हैं कि नहीं ये चीज़ हो सकती है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये इस बात की हम गारंटी देते हैं, यकीन दिलाते हैं कि इन फ्यूचर ऐसा होगा कि मैं सारे सिचुएशन को उलट पुलट दूंगा या दूंगी, अपने हिसाब से डाइवर्ट कर देंगे, उसको टर्न कर देंगे। जब इस तरीके का कॉन्फिडेंस रखते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली कहता है, जब भी हम प्रॉब्लम में आते हैं, जब भी कोई ऐसी बात होती है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप कहता है कि कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहो, आप ये चीज़ कर सकते हो, आप ये चीज़ कर लोगे,
क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, क्योंकि हमारे अंदर आया पहले, तब। ये बात आप समझिए, साइकोलॉजी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो सबसे पहला जो आपको काम ये करना है कि खुद के अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। इसको हो सके तो जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, और कॉन्फिडेंस होना बुरी बात नहीं है खुद के अंदर, ठीक है। जब कॉन्फिडेंस लाओगे तब आपका पार्टनर आप पे कॉन्फिडेंस करेगा और आप पे ट्रस्ट करना तब स्टार्ट करेगा। तो ये दो मेजर काम है, आपको आज से ही करना स्टार्ट करना कर देना चाहिए। ये रातों रात नहीं होगा, कुछ समय लगेगा, तो इसको आज से ही स्टार्ट करो। एंड में बस इतना है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये यूनिक कंटेंट और लोगों को भी मिल सके और उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी इसका लाभ उठा सके। तो इस वीडियो को शेयर करने में कतई मत हिचकना, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियोज आए वो आपको मिल सके सबसे पहले। और एक बात बता दूँ, पहले ही बता दूँ कि इस वीडियो के बाद कुछ ही घंटे बाद एक वीडियो पब्लिश की जाएगी, जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किस तरीके से प्यार करता हूँ, मेरा तरीका क्या है प्यार करने का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो सच में ब्लॉकबस्टर होने वाला है, और मैं परेशान हो गया था, आप लोगों के कमेंट्स इतने आए थे इस टॉपिक पर और अक्सर आते रहते हैं, तो इसलिए मैं आज एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जो माइंड ब्लोइंग है। सच में आप लोगों को बहुत कुछ वो वीडियो दे के जाएगा, तो उस वीडियो को मिस मत करना, देख लेना। और साथ में इस वीडियो को तो एक लाइक कर देना, और कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह उसको लिखना कतई मत भूलना। अगर आपने अभी तक लव इंटरसिटी फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके तुरंत फॉलो करिए। अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो फोन पे, तो कॉल मी फोर एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिए lovintercity@cm4, वहाँ पे लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।